A warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Mathematical Statistics ka probability topic hum pad rahe the. Kuch videos hum kar chuke hain jisme humne probability ke approach, teenon types ke approaches ke bare mein pad liya tha. Aur numericals bhi humne solve kiye the, theorems ki thi. Aaj ka jo video hai wo kafi important video hai. Aaj ke video mein कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं और फिर मैं आपको एक एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करता हूं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि एक कोई ना कोई इसमें कंडीशन यूज हो रही है. कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी अकरिंग व्हेन इट इज नोन दैट सम इवेंट ए हैज अकर्ड is called a conditional probability and is denoted by P B upon A. P B upon A का मतलब होता है यहाँ पे जो events हैं एक से ज़्यादा दो event होंगे और दो events में events जो होंगे वो एक ही sample space पे based होंगे. sample space मैंने आपको पहले के videos में बता दिया है. इन sample space पे based दो events होंगे A और B. अगर इसमें एक इवेंट ऑलरेडी पहले से हो चुका है जैसे ए इवेंट हो चुका है और ए इवेंट होने के बाद बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो इसमें आपको पता चला होगा कि कंडीशन एक अप्लाई हो रही है कि एक इवेंट पहले ही हो चुका है और एक इवेंट होने के बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं. सैंपल स्पेस सेम रहेगा. यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखें तो बात करते हैं. अगर एक डाइस की हम बात करें तो उसमें जो टोटल सैंपल स्पेसेस होंगे या मैं कोई एक जनरल एग्जांपल ले ले रहा हूँ. एक सेट हम सैंपल स्पेस का ले ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6. एक डाइस का एग्जांपल हमने लिया है. इस डाइस के एग्जांपल में दो इवेंट में लेने जा रहा हूँ. इस सैंपल स्पेस से आपने एक नंबर सेलेक्ट किया है जिसमें दो इवेंट्स हैं. पहला वाला इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर. Getting an odd number, ये a मान लिया हमने. और getting a prime number, ये दूसरा इवेंट मान लिया. एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है. सैंपल स्पेस में जो डाइस है उसके टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं. 1 to 6 नंबर्स लिखे हुए हैं. a एक ऐसा इवेंट है जो इन नंबर्स में से एक नंबर हमने जो सेलेक्ट किया है वो नंबर जो है एक ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी है. ये इवेंट है, प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे, एक इवेंट की बात हो रही है. और बी जो दूसरा इवेंट है वो क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर. अब यहाँ पे अगर हमको पी बी अपॉन ए निकालना है तो पी बी अपॉन ए का मतलब क्या है कि ए इवेंट हो चुका है और ए इवेंट होने के बाद बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है. तो इस ए की हम बात करें, ए की बात करेंगे तो इसमें ऑड नंबर्स क्या क्या मिल रहे हैं आपको, एक 1, 1 3 और 1 5. और ये क्या है, प्राइम नंबर क्या क्या मिल रहे हैं इसमें. प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 और 5 ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself द नंबर. तो ये प्राइम नंबर का इसी सैम्पल स्पेस से कलेक्शन है और ये जो ऑड नंबर्स का कलेक्शन वो लिखा हुआ है. अगर मैं बात करूं पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए में ए इवेंट हो चुका है. और अगर जनरली हम बात करें यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी 3 upon 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी, 3 upon 6, यानी कि 1/2 आ रहे हैं ए और बी की प्रोबेबिलिटी. अब अगर हम बात करें पी बी अपॉन ए, ए इवेंट हो चुका है, ए इवेंट ये ऑलरेडी हो चुका है, इसके बाद आपको निकालना है कि प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अगर ए इवेंट हो चुका है तो ए इवेंट में ये तीन एलिमेंट आ रहे हैं और इन तीनों एलिमेंट में से वो नंबर क्या निकालना है आपको, एक प्राइम नंबर. तो आप देखिए इसमें प्राइम नंबर क्या क्या बचे हैं, आप एक 3 बचा है, एक 5 बचा है. ध्यान से समझिए आप इसको. पी बी अपॉन ए का मतलब था कि ए इवेंट हो चुका है, उसके होने के बाद फिर दूसरा वाला इवेंट हो रहा है. तो ये इवेंट हो चुका है, इसी से अब आपको प्राइम नंबर निकालने हैं. तो दो नंबर आपको मिल रहे हैं और ये दो नंबर हैं आपके 3 और 5. अब ये 3 और 5 में अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालने जाएं तो ये
जो 3 और 5 का कलेक्शन आया है, ये 3 और 5 का कलेक्शन है कि ए इवेंट हो चुका है और बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो ए इवेंट जो है यहाँ पे एक सैम्पल स्पेस की तरह वर्क करेगा। जो पहले ए और बी के लिए सैम्पल स्पेस क्या था, एस अपॉन में 6 आ रहा था, अब पी बी अपॉन ए की बात करें तो इसमें सैम्पल स्पेस का काम करेगा ये वाला इवेंट जो हो चुका है अब। और ये इसमें देखिए अब नंबर कितने आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ 2 एलिमेंट, और सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो सैम्पल स्पेस का काम करेगा वो इवेंट होगा जो पहले नंबर पे इवेंट अकर कर रहा है या पहले नंबर पे इवेंट हो जा रहा है। तो 3 एलिमेंट सैम्पल स्पेस में, और ए के होने के बाद बी के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2/3। तो ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया। अब इससे फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करें, ये 3 और 5 हम देखें तो ये 3 और 5 क्या है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 2/6। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए निकालूँ तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6, और पी ए कितना आ रहा था, 3/6। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3। तो आप देखिए जो मैंने न्यूमेरिकली सॉल्व करके निकाला 2/3, वो पी बी अपॉन ए की वैल्यू आ रही थी, और पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए निकाला तो वो भी कितना आ रहा है, 2/3। तो यहीं से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हो जाता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। एक बार फिर से आप देखिए, पी बी अपॉन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पी बी अपॉन ए में ए इवेंट पहले नंबर पे हो रहा है, और ए इवेंट होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी है तो वो उसका फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की आप प्रोबेबिलिटी निकालें अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी करें तो आपको पी बी अपॉन ए मिल जाएगा। अगर इसी को हम चेंज कर दें, अगर मुझे पी ए अपॉन बी निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, बी पहले नंबर पे हो जा रहा है और बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ऊपर तो यही आएगा ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, पी बी आ जाएगा। तो जो नीचे आ रहा है वही प्रोबेबिलिटी यहाँ फॉर्मूले में अपॉन में भी आएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आइए देखते हैं इसके बाद कुछ इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल मैं लेने जा रहा हूँ उसमें देखिए क्या क्या कंडीशंस आपको दी हुई है। ए और बी दो इवेंट्स आपको दिए हुए हैं, ए की प्रोबेबिलिटी आपको दी है 1/3, बी की प्रोबेबिलिटी दी है 1/4, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ आपको इवेल्यूएट करनी है। एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया पी ए अपॉन बी क्या था या पी बी अपॉन ए क्या था, ये था ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बार आएगा, जैसे मैंने ये पहले भी आपको बता दिया था कि पी ए जो है ए के होने की प्रोबेबिलिटी होती है, और पी ए बार होती है ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए पहले पार्ट में आते हैं इसके हम। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो पहले पार्ट में आप देखिए फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना है, 1/2, यह है 1/3, और यह है 1/4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको यहाँ ले आते हैं, पी ए यूनियन बी सॉरी इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो जाएगा, 12, 7/12 हो जाएगा ऐड करके, और ये 1/2 यहाँ माइनस में आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं, 12, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1/12। तो 1/12 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, पी ए इंटरसेक्शन बी की। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया 1/12। आते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में देखिए क्या निकालना है आपको। अब मैं एक डायग्राम सैंपल स्पेस का बना रहा हूं, ये ए है और ये बी है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या है, ए तो आ ही रहा है उसमें लेकिन बी नहीं आ रहा है,
बी बार का मतलब हो गया बी को छोड़ करके बी के बाहर का सारा पोर्शन। तो बी के बी बार का मतलब क्या हो जाएगा, जो बी वाला सर्कल बन रहा है उसके बाहर पूरा पोर्शन जो है वो बी बार होगा, लेकिन बी बार का किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ, तो ये आएगा सिर्फ इतना पोर्शन। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बी बार हो गया बी के बाहर का पोर्शन, लेकिन उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो ये वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये वो पोर्शन है जो ए में आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी से अगर हम ये वाला पोर्शन हटा दें तो हमको वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जो हमको इवेल्युएट करनी है। तो ये पी ए कितना है, 1/3, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/12 अभी निकाली है हमने, तो हो जाएगा 4 - 1/12, 3/12 यानी कि 1/4। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा कितना, 1/4। इसी तरीके से देखिए आप जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में जो बार है वो ए में है, तो इसका मतलब आप ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जैसे सेकंड वाले में लिखा था। पी बी है 1/4 माइनस 1/12, कितना हो जाएगा, 3 - 1/12, 2/12 यानी कि 1/6। तो 1/6 हो जाएगा थर्ड वाले का आंसर। और इसी तरीके से आते हैं लास्ट जो पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब यहाँ पे यूज होगी डिमॉर्गन प्रॉपर्टी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, डिमॉर्गन रूल लगाएंगे, तो ये होल बार अगर हम इसको लिखेंगे तो ये इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा, और किसी भी इवेंट के बार का मतलब क्या है, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं 1 - उसके होने की प्रोबेबिलिटी। 1 - ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, वो दी हुई है क्वेश्चन में, 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये जो लास्ट पार्ट है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। तो आइए इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई हैं, इससे आपको पी ए अपॉन बी निकालना है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या था, पी बी। ए इंटरसेक्शन बी है 1/12 और ये है 1/4, तो ये कैंसिल होकर के कितना बन जाएगा, 1/3 फर्स्ट पार्ट। आते हैं सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट आप देखिए, पी ए अपॉन बी बार निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी बी बार। अभी इसका हमने डेरिवेशन जो इससे पहले वाला फॉर्मूला किया था, क्वेश्चन किया था, उसमें देखा था कि बी बार जो था बी के बाहर का और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन जो था वो ये वाला आ रहा था, इसको हमने क्या लिखा था, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - पी बी। बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है उसको हम 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं, पी ए 1/3, ए इंटरसेक्शन बी कितना था, 1/12 अपॉन 1 - पी बी कितना है, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 1, 3/12 और ये हो जाएगा 3/4, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3। तो 1/3 हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। आते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड में देखिए आप, पी ए बार इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसमें हम लगाते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो 11th क्लास में आपने पढ़ी है, इसको लिख सकते हैं पी ए बार इंटरसेक्शन ए यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार इंटरसेक्शन ए का मतलब है, ये ए बार का मतलब ए के बाहर और ए का मतलब ए के अंदर, तो ए के बाहर और ए के अंदर में कुछ कॉमन आएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा फाई यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, ए के बाहर और बी में कॉमन ये वाला पोर्शन आ रहा था, और इसको हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था, तो ये बन जाएगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी, और इसको हमने क्या लिखा था, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी बी कितना है, 1/4, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/12,
ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/12 मीन्स 1/6। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा 1/6। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो था, इस कंडीशन प्रोबेबिलिटी को आप ध्यान से समझें, डेफिनेशन ध्यान से समझें, न्यूमेरिकल कुछ इस पे बेस्ड मैंने आपको कराए और इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व करते रहें। अब आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे।